सभी का स्वागत है। गोरेगांव सुपर्स के कप्तान अजय गोखले ने बैटिंग की कमान संभाली है और एक ज्ञान पांडे ने की पहली गेंद क्लीन बोल्ड हो गए अजय गोखले। अभी बैटिंग बढ़ा रहे हैं गोरेगांव सुपर्स के तेजस चौहान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वन मैन आर्मी है। पिछले कई मैचेस की जीत का सहरा इन्हीं के सर पर है। लगता है दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। तेजस चौहान बैटिंग के लिए तैयार और तेजस चौहान ने आते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन। तेजस चौहान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और गोरेगांव सुपर्स मुंबई अंडरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट की विजयी घोषित। तेजस चौहान एक बार फिर मैन ऑफ द मैच। बहुत अच्छा खेले, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी तालियां बजाई। पर आज माँ भी बहुत खुश होगी, लेकिन मुझे जाना है अभी, बहुत काम बाकी है। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। बाय। ये ले तेरा गिफ्ट। थैंक यू। तुझे आर्मी ऑफिसर बनना है ना? मेरे एक बात समझ में नहीं आती, फिर तू क्रिकेट क्यों खेलता है? पापा, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छा खेलने पर ऑन द स्पॉट कैश प्राइज मिलता है। तेरे पास पैसे बचते कहाँ हैं? सारे पैसे तो तू उड़ा देता है। आज भी बाप बेटे में बहस छिड़ी हुई है। नमस्ते भाई। सुखी रहो। दीदी अब फटाफट राखी बांध दो, चलो बैठ जाओ। अरे सांझ बिटिया, तुम? अजय अंकल, मैं तेजस भैया को राखी बांधने आई थी। कितना लकी हूं ना इस बार मैं। इस बार मुझे चार चार राखियां बनेगी। आओ सांझ, अंदर आओ। बेटा सांझ को गिफ्ट दो। अजय अंकल, गिफ्ट तो मुझे ऑलरेडी मिल गया है। अगर आज आप और तेजस भैया नहीं होते तो शायद मेरे डैड जिंदा नहीं होते। अरे बेटा ऐसी? सांझ, अब तुमने भाई बोला है तो उनकी आगे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी हुई। क्यों पापा? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। इंसान का दिमाग उसे और जीव जंतुओं से अलग करता है। वो अपनी दिमागी मदद से पॉजिटिव भी सोच सकता है और नेगेटिव भी, और यही सोच अच्छे और बुरे इंसान में फर्क बताती है। वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ भी हासिल कर सकता है और अपनी नेगेटिव थिंकिंग से सब कुछ तबाह और बर्बाद भी कर सकता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही। दिन ही मनुज है, वो सुबह सुबह सांझ के मौत की खबर आ गई। अब तेजस का पता नहीं चल रहा है, जाने कहां गया ये लड़का।
सुबह से उसको फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है सुनीता। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया सब। जीजा जी कुछ पता चला? अरे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह मेरे साथ भोजवानी सेठ के यहाँ गया था, वहाँ से पेपर स्टॉल पे चला गया। उसके दोस्तों से बात की क्या? सारे दोस्तों से पूछा मैंने, ना वो आज कॉलेज गया, ना जिम गया, ना क्रिकेट खेलने गया। ना जाने कहाँ चला गया है बच्चा। ऐसा है किस हाल में है कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरा तो जी घबरा रहा है। The number you are trying to call is currently switched off. Police uncle, हाँ बेटा। मेरे भैया खो गए, उन्हें ढूंढ दो। जरूर ढूंढेंगे बेटा। कौन है तुम्हारे भैया? शानू। आप कौन? सर मैं इसकी माँ। किसकी बात कर रहे हैं? सर तेजस चौहान, समझ लीजिए मेरे बेटे को उसने गोद लिया हुआ है। वरना दिन में दो बार शानू से जरूर मिलने आता था लेकिन वो मिलने ही नहीं आ रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। और गली में भी पूछा तो सब लोग बोल रहे हैं कि वो कहीं गायब है। आप आइए रिपोर्ट लिखवाने, लड़के का परिवार का है। सर पहले ही दौड़ के आ गया, वो लोग भी आ रहे हैं। ये तो जवान लड़का, कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। नहीं साहब, पक्का किडनैप हुआ है। कौन करेगा इसकी किडनैप? प्रकाश मोरे। प्रकाश मोरे वो शूटर? जी। कोई खास दुश्मनी है आपके बेटे के साथ प्रकाश मोरे की? 2 महीने पहले प्रकाश मोरे के साथ भोजवानी सेठ का झगड़ा हुआ, उस समय मैं उनका पर्सनल गार्ड था। क्या रे भोजवानी, एक खोखा बोला था ना तेरे को, काय को नहीं भिजवाया? अबे ज्यादा चर्बी आ गई तेरे को, भूल गया प्रकाश मोरे को। ए कुछ भी बकवास मत कर, पोकट का पैसा नहीं मेरे पास, क्यों तू तेरे को? चल जा, डरता नहीं हूं मैं किसी से, जा करने जो कुछ करना, चल। प्रकाश मोरे के रास्ते पे आना, छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। तुम्हारे सेठ का पूरा नाम क्या है? मोहनलाल भोजवानी, वो 2-4 दिन पहले जिनकी बेटी की हत्या हुई है। अरे तेजस, सांझ को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ मैं अभी अभी वहीं पढ़ के आ रहा हूँ। क्या हुआ? माँ वो सांझ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। तू अपनी चिंता कर, जीना हर वक्त तुम दोनों के लिए डर लगा रहता है। अरे अब हमें किस बात का डर, मैंने भोजवानी की नौकरी कब की छोड़ दी है? हाँ तुमको अपनी पड़ी है, मैं सांझ के घर जा रहा हूँ। रुक, तू अकेला कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। संभल के जाना। प्लीज कुछ भी कीजिए। साहब आज सुबह सुबह अखबार में पढ़ा कि सांझ बिटिया का किडनैप हो गया है, क्या सच है? हाँ सांझ कल से ही लापता है, हो ना हो मुझे ये प्रकाश मोरे का ही काम लग रहा है। मुझे भी यही लगता है साहब। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ ढूंढू उसे। कोई इसके इसके बारे में कुछ पता है? सर मोहनलाल भोजवानी की बेटी पहले गायब हुई, बाद में उसका मर्डर हुआ, बराट पुलिस स्टेशन में उसका केस रजिस्टर्ड है। तुम्हें कुछ पता चलो? सर वो लोग भी ये प्रकाश मोरे को ढूंढ रहे हैं, अभी तक वो फरार है। ठीक है एक काम करो, इस प्रकाश मोरे के फोन को सर्विलेंस पे डालो और अपने खबरी नेटवर्क को अलर्ट करो। पर तेजस इसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस करो, इसका लास्ट लोकेशन हमें बता सकता है ये कहाँ था। राइट सर, आप फिक्र मत कीजिए, हम पता करें। जी साहब।
मुझे नहीं पता था सर, मुझसे बदला लेने के लिए प्रकाश मोरे मेरी बेटी को मार देगा और अजय से बदला लेने के लिए उसके बेटे को किडनैप कर लेगा। वैसे तो आपका केस मलाड पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती, कुछ भी पता चलता है, तो प्लीज हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है सर, थैंक यू। जिस तरह से सांझ को मारा गया था, हम ज्यादा अलर्ट हो गए क्योंकि कातिल पेशावर लग रहा था और तेजस की जान को भी खतरा था। प्रकाश मोरे हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में था, उसे पकड़ने के लिए हमने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया। तेजस को भी हम ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अरे शानू, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, शानू के स्कूल वालों ने फीस मांगी है। अरे तो मुझे याद दिलवाना चाहिए था ना, ये लो। ठीक है, अब तुम घर जाओ और मम्मी को परेशान मत करना। The number you are trying to call is currently switched off. प्रकाश मोरे का पता चल गया, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। बोल, सर सच बोल, बोल। आई सपत साहब, मैंने भोजवानी की बेटी को नहीं मारा, अन्ना उसके बॉडीगार्ड चौहान के बेटे को उठाया मैंने। झूठ बोल रहा है, हाँ? भोजवानी को मारने की धमकी तूने ही दी थी ना, उसमें गोली भी तूने ही चलाई थी, और उसके बॉडीगार्ड अजय चौहान और उसके बेटे तेजस को भी मारने की धमकी तूने दी थी। बोल। गहरा साहब, अपन को दुबई से ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए ना साहब अपन ने उसको छोड़ दिया। 11 तारीख को कहा था तो सुबह नासिक में था साहब, उधर अंगूर के व्यापारियों का कुछ लफड़ा हो गया था, वही मांडुली के लिए गया था मैं। अब चाहो ना तो मेरे ड्राइवर से पूछ लो, या फिर ना साहब मेरा मोबाइल लोकेशन चेक कर सकते हो। साले तू बताएगा हमें हमें क्या करना है और क्या नहीं, हाँ? इसे अंदर रखो, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती ना सड़ने दो से। अरे साहब, अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कहाँ गई? तू पीछे वाली गली में जाकर देख, मैं आगे वाली में जाकर देखता हूँ। ठीक 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 ठीक, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। इसे खोलो। आप लोग पीछे हटिए, इन सब लोगों को पीछे लेके आइए प्लीज। जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए। सर वही पैटर्न जिसे सांझ मोटवानी कहते हैं। आसपास देखो, लगता है किसी तेज धार वाले हथियार से झटके से सर को धड़ से अलग कर दिया गया। सर ये तो तेजस चौहान की लाश है। अफसोस, हम तेजस को बचा नहीं पाए।
लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर प्रकाश मरे जेल में, उसके आदमी इतनी हिम्मत नहीं करेंगे जिसके पीठ पीछे जाकर इतना बड़ा कांड करें। अगर हम ये मान भी लें कि भोजवानी से बदला लेने के लिए प्रकाश मोरे ने ये सब कुछ किया, तो सांझ को मारे टीचर्स को क्यों मारे? इसका मतलब मर्डर कोई और ही है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। सर, मर्डर्स करने के तरीके को देखकर लगता है कि ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही, मलाड पुलिस स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर और फिलहाल तेजस की पूरी कुंडली निकाल। सर, हमारा पूरा जीवन सपना और हनुमान साहब सब छीन लिए भगवान ने। तेजस ने आप सबके लिए क्या क्या सोच के रखा था। ये घर बिना पानी नहीं, कुछ नहीं, आज भी पानी नहीं आया। माँ पापा, एक बार मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया ना, तो सरकार मुझे अच्छा सा घर देगी और मेरी अच्छी सी जगह भी पोस्टिंग हो जाएगी। हा? और फिर हम सबको कोई तकलीफ नहीं होगी। और पापा, आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? और आरती भी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी फिर। और दिव्यांशी प्रियांशी, उनको भी साथ में बुला लेंगे। तो उस दिन तो मैं गंगा नहा लूंगी। अरे आप दोनों को तो भारत भ्रमण करवाऊंगा मैं। सुना आपने, आपने कभी नहीं घुमाया, लेकिन मेरा बेटा घुमाएगा। मेरे लाल। तेजस की एक गर्लफ्रेंड भी थी, भूमि पांडे, और जो आठवें नंबर वाला फैजान है ना, वो भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या मजाक है फैजल, हटो। मैं तुम्हारी जिंदगी में बिछना चाहता हूँ और तुम कहती हो हटो। कितने बदतमीज हो तुम। तुम जानते हो मैं और तेजस एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी परेशान करते रहते हो। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तेजस के रहते हुए मैं किसी और लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखती, समझे? सर, पहले भी फैजान तेजस के साथ पंगे करता था, लेकिन उस दिन सर मारने मारने पुत्र आया था। सर ये तो ठीक नहीं कर रहा, समझा? भूमि को परेशान करना छोड़ दे, वरना वरना क्या बोल, मारेगा मारेगा, चल मार, देख कर रहा है मार रहा। तू बात को बढ़ा रहा है, समझा? हाँ बढ़ा रहा हूँ, बोल। ले मारा भी, आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर भूमि के आसपास साले मुझ पर हाथ उठा रहा है, मैं तुझे दुनिया से उठा लूंगा। तेजस क्या कर रही है? तेजस प्लीज, मैंने तेजस को समझाया भी था। देखो बेटा, तुम उन लोगों से दूर रहना, वो अच्छे लड़के नहीं है। अब अगर ऐसे सबसे डर के घर पे बैठ जाऊंगा, जो पापा ने जो सपना देखा है मेरे लिए आर्मी ऑफिसर बनने का, वो तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। मैं चलता हूँ, ध्यान रखिए। इस फैजान का एड्रेस दीजिए। अरे बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? वो माँ, मैं दो दिन के लिए बाहर टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, और मुझे बताया मैंने? रुक, तेरे लिए दही शक्कर ला दी। अगर किसी से भी कुछ कहा ना, तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगी, समझी? से प्यार करता है ना, तेजस ने एक रास्ते का काटा था, इसे उसे मार डाला तूने। सर मैंने तेजस को नहीं मारा। झूठ बोलता है, तेरी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास, उसे फॉलो करता था ना तू? वो तो मैं उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे जाता था साहब। पापा आप? हाँ बेटा, इतनी रात हो गई थी इसलिए तुझे पिक करने आ रहा था। दूसरे दिन सुबह जब तेजस और उसके डैडी निकले, साहब तो मैंने उनका पीछा किया, लेकिन वो दोनों साथ में थे साहब, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। सच मैंने नहीं मारा साहब, मुझे तो बाद में तेजस की मौत के बारे में पता चला। तो तू मानता है
तो उसको मारने के इरादे से फॉलो किया करता था। हाँ, लेकिन मैंने नहीं मारा। सर, इन्फॉर्मर मदन का फोन आया था। क्या कह रहा था? उसका कहना था कि तेजस चौहान का गली क्रिकेट में बहुत नाम था और इसी की वजह से लड़के उसे पसंद भी नहीं करते। ये गली क्रिकेट को कम मत समझो सर, वर्ल्ड क्रिकेट का इस पे बहुत तगड़ा असर है। 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का सट्टा, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग सब चलता है। इसमें फायदा क्या होता है? इसमें दो बातों की लड़ाई है सर, एक तो पावर की कि मैच भी जीते और प्राइज भी, और दूसरा सर सट्टा तो जुआ है, जिसे पैसा चाहिए सब खेलते हैं। तो ये तेजस इस मैच फिक्सिंग में, फट्टेबाजी में, इन सब में था? बहुत समझाता था साहब, मैं उससे कहता था कि तुझे आर्मी में जाना है तो क्रिकेट खेलना छोड़ दे, लेकिन उसको क्रिकेट में तुरंत पैसा मिल जाता था ना, इसलिए वो क्रिकेट खेलता था। साहब क्या बोलूं मैं आपसे, इस क्रिकेट ने मेरे बच्चे की जान ले ली साहब, मेरे बच्चे की जान ले ली। क्या बोल रहे हो आप? मेरा बेटा कभी भी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता था साहब, अपनी कमाई से दूसरों का भला ही करता था। मैं तेजस की टीम का कैप्टन हूँ सर, तेजस जी जान के साथ क्रिकेट खेलता था, पैशन बोलते हैं ना, एकदम वैसे ही। तेजस, वो दूसरी टीम वाले हैं ना, तुझे गंदा परफॉर्म करने बोल रहे हैं नेक्स्ट मैच में, मैन ऑफ द मैच से ज्यादा पैसे देंगे तुझे। क्या पागल हो गए हो तुम? एक दिन मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, और अगर आज मैं ये सब करूंगा कल को तुम ही लोग बोलोगे एक चोर आर्मी ऑफिसर बन गया, अब देश के साथ गद्दारी करेगा। मुझे अच्छे से याद है उस दिन का मैच, तेजस ने कैसे हार के मुंह से निकलवाकर हमें मैच जितवाया था, और उसी दिन हमारे ओपोनेंट्स ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। देख, डील अभी भी ओपन है, अगर पहली बॉल पर आउट होगा तो 5,000, और दूसरी पर होगा तो 4,000, और तीसरी पर होगा तो 3,000। चीटिंग मेरे खून में नहीं है, समझे, फौजी का बेटा हूँ। देखते हैं। ये लड़के कौन थे जिन्होंने तेजस के साथ फिक्सिंग करने की कोशिश की थी? ज्ञान पांडा और उसके दोस्त विकास, प्रतीक और विवेक। ये भूमि के बारे में क्या जानते हो? सर, वो तेजस की गर्लफ्रेंड थी और ज्ञान पांडे उसी का भाई है। ज्ञान अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के लिए भारगांव गया है सर। और भूमि, वो कहाँ है? वो घर में ही है सर, लेकिन क्या बात है? बुलाइए उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। भूमि बेटा घबराओ नहीं, तुम जो कुछ भी जानती हो सब बता दो। सर, तेजस का मर्डर मेरे भाई ज्ञान पांडे और उसके दोस्तों ने ही किया है, और अब वो घबरा कर कहीं भाग गए हैं। ये क्या बोल रही है भूमि? एक मिनट मैडम। भूमि, तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? वो मैंने उनकी बातें सुनी थी। तेजस का क्या करना है? करना क्या है, भूखा मर जाएगा साला। रहने दो। पागल है क्या? हाँ, हम सब फंसेंगे। बेस्ट, मार तो साली को, सबक मिल जाएगा उसको। तो चलो। और जब मैं तेजस के घर वालों को बताने के लिए वहां से भागी तो मेरे भाई ने ही मुझे पकड़ लिया और मुझे जान से मार डालने की धमकी दी। और तुमने मुझे बताया भी नहीं भूमि। माँ, उसने कहा वो सुसाइड कर लेगा। अगर किसी से भी कुछ कहा ना तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगी। भूमि, ज्ञान के और उसके दोस्तों के फोटोग्राफ्स और फोन नंबर चाहिए। हेलो सर, गली क्रिकेट के एंगल को इन्वेस्टिगेट करने पर 4 लड़कों के नाम सामने आए। इनके पास तेजस को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव था, जिसमें से एक भूमि का भाई भी है, और भूमि ने बकायदा इन लोगों के प्लान को सुना था। कहाँ है ये? अरेस्ट करके लिखे हुए। फिलहाल ये लोग फरार हैं सर। ठीक है, इनके फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, टोल नाका, चेक नाका, हाईवे, थाने, सब जगह, और इनके फोन सर्वेलेंस में डालो। कम उम्र के बच्चे हैं, ज़्यादा दूर तक भाग के नहीं जा पाएंगे सर। जिस वैशी तरीके से तेजस को मारा गया था उसके पीछे कारण गली क्रिकेट था, ये बात हजम नहीं हो रही। और एक और बात दिमाग में बार बार खटक रही थी, वो ये थी कि सांझ भोजवानी का गली क्रिकेट से क्या लेना देना। हमारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमने ज्ञान और उसके दोस्तों को दबोचने का प्लान बनाना शुरू किया।
सर। हाँ भाई, ज्ञान पांडे उसके दोस्तों का फोन अभी भी बंद आ रहा है। एक काम कर, ज्ञान पांडे के वो तीन दोस्त हैं ना, उनके माँ बाप से जाके पूछताछ करो। सर और मटर नहीं सर, कभी नहीं, अर्गिज नहीं। सभी माँ बाप को अपने बच्चे दूध के धुले हुए लगते हैं। एक्चुअली ये सब किया धरा ना प्रतीक के दोस्त ज्ञान पांडे का है। मैंने प्रतीक को कितनी बार समझाया वो ज्ञान पांडे से दूर रहा करे, और मेरे मडाइलैंड वाले घर पे सब नशा करते हैं। मडाइलैंड ये तो तेजस का लॉकेट है साहब, उसकी मां है, उसके जन्मदिन पे हनुमान मंदिर से लाके दिया था। बेटा बजरंगबली तुम्हारी हमेशा रक्षा करे और तुम सफल रहो, बस बजरंगबली के भांति हमेशा सच्चे राह पर चलते रहना। माँ तुम्हारी कसम, मैं हमेशा सच्चे रास्ते पे चलता रहा हूँ और आगे भी चलता रहूंगा। अच्छा बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारा कौन सा रास्ता है। एक बार क्रिकेट छोड़ दोगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चुप रहो, मुझे मेरे तेजस पर पूरा भरोसा है। साहब मेरी बीबी का विश्वास सच्चा था, मेरा शक झूठा था। मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता, जिसने उसको मारा है ना उसको छोड़ना मत, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सर उन चार लड़कों में से एक लड़के का मोबाइल अभी स्विच ऑन हुआ है। जैसे उन लड़कों का पता चलता उन्हें अरेस्ट करके ले गए। सर बेटा तुम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर हम सरेंडर कर देंगे तो मेरे दोस्त मुझे मार देंगे। मैं कुछ करता हूँ। हाँ पापा। हेलो हेलो सर, प्रतीक का फोन है, वो बहुत डरा हुआ है सर, कुछ कीजिए सर। हम उसी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, प्रतीक को कहिए लोकेशन मैसेज करें और वहीं पर रुके। आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। ओके सर। हमने तेजस को नहीं मारा, हमने तो बस उसे किडनैप किया था और ये सारा प्लान ज्ञान का था। ज्ञान का सर उसने कहा था कि वो हम लोगों से आकर मिलेगा, लेकिन वो आया ही नहीं। जब गली क्रिकेट में तेजस ने फिक्सिंग करने से इनकार कर दिया तो तुम लोग ने उसे किडनैप कर लिया, और फिर बाद में ज्ञान ने उसे मार डाला और अब वो फरार। सच सच बताओ कहाँ है वो। सर ज्ञान को गुस्सा तो था क्योंकि ज्ञान की बहन भूमि तेजस का साथ नहीं छोड़ रही थी और ये ज्ञान को पसंद नहीं था। तो ये सब कुछ भूमि और तेजस के लव अफेयर की वजह से हुआ है। यस सर। लेकिन भूमि ने तुम लोगों को बोलते हुए सुना था कि तुम लोग तेजस को मारने वाले। सर हम तेजस को लेकर बहुत कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, फिर हमने सोचा कि हम मढ़ पहुंचकर फैसला करेंगे, और जब हम लोग वहां पहुंचे तब तेजस वहां पर था ही नहीं। ये कहां गया भाई, ये यही तो छोड़ा था हमने। इसका मतलब तेजस जब बंगले से भागा तो सीधा जो है ज्ञान के पास गया और ज्ञान ने उसे मार दिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं क्योंकि जिस किस्म का लड़का था वो या तो पुलिस स्टेशन आता या तो घर जाता। बात कुछ सर ये भी तो पॉसिबल है कि ज्ञान खुद तेजस को लेके जंगल गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी ताकि उसके दोस्तों के सामने उसका राज राजी रह सके। ओए, ज्ञान का है? प्लीज प्लीज आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमें सच में नहीं पता कि ज्ञान का है। इस ज्ञान को जल्द से जल्द ढूंढो, उसका फोन सर्वेलेंस में डालो, और हाँ उसके माँ बाप और उसकी बहन का फोन भी सर्वेलेंस में डालो। देखो क्या बातचीत हो रही है। सर इतने एंगल्स एक्सप्लोर करने के बावजूद
हम सांझ और तेजस के मर्डरर्स तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन ज्ञान का फरार हो जाता एक बात साफ कर गया था कि उसका तेजस के मर्डर में हाथ जरूर, लेकिन अब की बार हमारा यह अंदाजा भी गलत निकला। फिर जो हमारा सस्पेक्ट था उसी का मर्डर हो गया, लेकिन पैटर्न अलग है, सांझ और तेजस के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि मर्डरर जानता है हमारी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है, इसलिए उसने ये कांड किया। आसपास का इलाका देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। कुछ मिला? मैं कुछ नहीं मिला। ज्ञान के मोबाइल डिटेल्स निकलवा, देखो अपने दोस्तों के अलावा किससे बातचीत हो रही है। सर एक बार मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया ना तो सरकार मुझे अच्छा सा घर देगी और फिर हम सबको कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे आप दोनों को तो भारत भ्रमण करवाऊंगा मैं। कुछ मिला? मैं कुछ नहीं मिला। ज्ञान के मोबाइल डिटेल्स निकलवा, देखो अपने दोस्तों के अलावा किससे बातचीत हो रही है। सर सर हाँ भाई, यह है ज्ञान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत सर पे गहरे वार की वजह से हुई, इसका मतलब इसे टारगेट करके मारा गया। और सर यह है तेजस और सांझ की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक दोनों हत्याओं में एक ही हथियार यूज किया गया है। और सर यह है ज्ञान के कॉल रिकॉर्ड्स, सारे नंबर्स देख के पता चल रहा है कि ज्ञान की जिससे भी बात हुई उसके तुरंत बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। और सर ये देखिए, इस नंबर पर ज्ञान की आखिरी बार बात हुई और इस नंबर का लोकेशन मर्डर स्पॉट पर ट्रेस हुआ है, उसके बाद यह नंबर स्विच ऑफ हो गया। किसका नंबर है? और मैं क्या करती सर, मुझे तेजस बहुत पसंद था और मेरे भाई ज्ञान को वो बिल्कुल नहीं पसंद था। वो तेजस की बातों पर हमेशा मुझसे लड़ा करता था। उसने घर से निकलते वक्त मुझे अपनी कसम दी थी, अगर किसी से भी कुछ कहा ना तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगी। और फिर पता चला उसी ने मारा। तुम्हें तो यकीन से कैसे कह सकती कि ज्ञान ने तेजस को मारा? और कौन होगा सर, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी। तुम लोगों ने मारना तेजस को? हमने कुछ नहीं किया, इससे पहले हम कुछ करते वो भाग गया वहाँ से। ये सब किसी और को बता रहा, मुझे सब पता है, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मैं बोल रहा ना, मैंने नहीं मारा, तू अपने भाई को लेके जाएगी पुलिस स्टेशन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी सारी बातें सुनी थी, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। भूमि मैं बोल रहा हूँ, नहीं किया मैंने कुछ, नहीं मारा मैंने उसे। अब तू मुझे मारेगा, हट। ज्ञान ने तेजस को मारा और मैंने उसे। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हत्या किसने की है, ये हमारी तहकीकात तय करेगी। रही बात असली मुजरिम की, उसे हम बेनकाब करेंगे। ज्ञान ने तेजस को नहीं मारा, जब ज्ञान और उसके दोस्त उसे बंगले में ले गए थे तो वो जिंदा था, वो जिंदा वहां से भागा और फिर उसका मर्डर किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सांझ भोजवानी का भी मर्डर उसी हथियार से किया गया और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सांझ भोजवानी और ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी की वजह से तुम्हारा भाई मारा गया। बाबा गोरेगांव में झारखंड से आए। सर इस बाबा के पास तेजस की फैमिली से एक आदमी को लगातार 3-4 दिन जाते देखा है। ये बाबा तो फर्जी लगता है। सर उठा ले इस बाबा को। नहीं, फिर इसके मोडस ऑपरेंडी का पता नहीं चलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा और छूट जाएगा। एक काम करो, अपने आदमियों को सादे कपड़ों में इसके पास भेजो, देखो क्या भ्रम फैला रहा है और सांझ और तेजस के मर्डर के साथ क्या लेना देना है इसका। और ये भी पता करो उनकी फैमिलीज में कौन इसका मुरीद है। सर तंत्र सच्चा मंत्र सच्चा, भूत नच्चे बेताल वच्चा। मेरे यहां बेटा होने के 100% गारंटी है, लेकिन शर्त पूरी करनी होगी। अगर शर्त सही तरीके से पूरी हुई बेटा अवश्य होगा।
लेकिन शर्त क्या है बाबा? किसी भी घर के बड़े बच्चे की बलि चढ़ानी होगी और उसकी आहुति देवी माँ को मिलेगी। जब उस आहुति की राख भांज औरत की कोख पे मली जाएगी तो 9 महीने बाद पुत्र अवश्य होगा। पर याद रहे, बलि का सर एक झटके में अलग करना होगा। आप लोगों को देवी माँ का श्राप लगेगा। आप लोग नहीं जानते मैं कितना सिद्ध तांत्रिक हूं। यह मेरी सिद्धि ही है कि ना जाने कितनी 5 महिलाओं को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। जरा हमें भी बताना इस पुत्र रत्न के बारे में। बहुत आसान है, मेरी दी हुई बहुति के चमत्कार से। हमारे पास भी एक बहुति है, दिखाओ। दिखाओ? साले पखंडी, तू जैसे लोगों को ना बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए। बता। अरे साहब, मुझे तो लोगों को लूट कर पैसे कमाने दे। मैंने सोचा कि कोई ऐसी शर्त रख दूं जिसे लोग पूरा कर ही ना पाए और बेटा पानी की लालच में मुझे मुंह मांगी कीमत दे दे। तुझे 20 साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के इंसान का सर एक झटके में अलग कर देना है। याद रहे, किसी सुंदर और सुशील बुद्धिमान इंसान का सर होना चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो पूजा पाठ के 11,00,000 रुपए लगेंगे। जब सांच को मारकर मेरे पास आया तो उसमें मैंने सोचा मेरा क्या फायदा है, तो मैंने उससे कह दिया, और लड़के लड़की की नहीं, लड़के की बलि चाहिए थी। किस किस को शर्त बनाई थी? इसको, इसको नहीं, या फिर इसको? अनुज मेरा साला है, इसने क्या किया साहब? इसको इसने सांझ भोजवानी और आपके बेटे तेजस को बेटा पानी की चाहत में मारा है। क्यों किया तूने ऐसा? सब इसको लेके जाओ। ऐसे आदमी जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं, ऐसे लोगों को ना सूली पे चढ़ा दो साहब। ऐसे लोग दोबारा कभी सोच भी ना सके ऐसा करने के पहले उनकी रूह का पे ले जाओ। अनुज लेकिन इसमें जितना दोष मेरा है उतना ही भैरव बाबा का भी। मैंने सांझ को राखी वाले दिन तेजस के घर के बाहर देखा। मैंने सोचा कि वो लड़की है तो उसे मारना आसान होगा। फिर मैंने सांझ पे नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन वो अकेली मुझे दिख गई। बैटरी भी अभी जानी थी क्या है भैया? मलाड चलोगे? हाँ बेटी। आपके टैक्सी में चार्जर है क्या? मेरा फोन डेड हो गया है। नहीं, चार्जर तो नहीं है मैडम। और मुझे लगा कि आज अच्छा मौका है। मैं टैक्सी को फिर झाड़ियों की तरफ ले गया। अरे भैया, ये कहाँ ले आए आप? मैडम थोड़ा इमरजेंसी है, एक मिनट में आता हूँ। जल्दी करो, जो भी करना है।
उसे झाड़ियों के किनारे ले जाकर एक झटके में काट दिया। मूर्ख लड़के, लड़की की नहीं लड़के की बलि चाहिए थी। मैं भैरव बाबा की बातों से परेशान हो गया था। फिर एक दिन जब मैं टैक्सी चला रहा था तो मैंने ज्ञान और उसके दोस्तों को मडाइलैंड में देखा। मैं जानता था कि इनका तेजस से नहीं बनता है और तेजस गायब था। मैंने जब उन्हें फॉलो किया मैंने उनके जाने का इंतजार किया और जैसे ही वो चले गए उसके बाद मैं अंदर चला गया। मैंने देखा कि वहां तेजस बंधा था। मैंने तेजस को खोला और अपनी टैक्सी में बिठा लिया। मैं उसे भी एक सुनसान जगह पर ले गया और झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तूने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी बहन का भी घर बर्बाद कर दिया। बेटे पाने की चाहत में अब तेरी बेटियां बाप के बिना जिएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी हो और एक केस ऐसी मिसाल बने कि लोग लड़का और लड़की में फर्क करना भूल जाए। बेटा और बेटी में फर्क नहीं होता, ये बात सरकार भी अपने सामाजिक प्रोग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम है कि कान में रूई ठूस कर बैठे हैं। बेटे पाने की चाहत में गुनाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। चलते चलते सिर्फ यही कहूंगा कि अपनी छोटी मोटी झूठी चाहतों को काबू में रखें, जुर्म की गलियों से बचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपनी मेहनत और लगन से मिट्टी को सोना बनाने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना। जय हिंद।